नमस्कार मित्रों, हिमाचल की सुंदर वादियों में इस सुंदर शहर सोलन के अंदर मैं अपने बड़े भ्राता श्री डॉक्टर सीपी बिसेन के साथ बैठा हूं। हालांकि शुरुआत मैंने इन शब्दों से की है, सुंदर वादियां और सुंदर शहर सोलन, लेकिन आज पिछले कई दिनों से पूरा देश भी, मैं भी जिस गम के माहौल के अंदर है, तो उसके अंदर सुंदरता के मायने खत्म हो जाते हैं। कुछ सुंदर नहीं है, बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब समय है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। कहीं कोई खुशी, कोई सुंदरता, कोई ब्यूटी, कोई अच्छाई है ही नहीं। पूर्णतया नरक ही नरक है हर तरफ। जी हाँ मित्रों, जब देश की बेटियों के साथ ऐसी बर्बरता हो, ऐसी नृशंसता हो, तो दुनिया में जो भी हमने अपने प्राणों में, किताबों में गंदे से गंदा नरक पढ़ा है, उन सबसे ज्यादा भयानक नरक आज मुझे इस धरती पर अपने सामने, अपने चारों तरफ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं इंसाफ की। मैं इतना कहना चाहता हूं, इंसाफ तो हो ही नहीं सकता। अगर आप उस बच्ची के हत्यारों को ढूंढ करके सड़क के चौराहे के ऊपर में जिंदा भी लटका दोगे, तो क्या वो इंसाफ होगा? नहीं होगा। जो उस शरीर ने, जो उस आत्मा ने जो दुख झेला, जो दुख भोगा, और जो उसके परिवार ने दुख झेल रहे हैं, उस दुख की कोई भी, उस दुख के प्रति कोई भी इंसाफ हो ही नहीं सकता है। होने को केवल एक ही चीज हो सकती है कि ऐसा ना हो, और जो मैं कह रहा हूं यह भी नहीं होगा। निर्भया कांड से लेकर आज तक न जाने कितने ऐसे कांड हो चुके हैं। हम चंद दिन के लिए उबलते हैं, फिर हम शांत होकर के बैठ जाते हैं। मैं आज इस संदेश के माध्यम से यह बताने की कोशिश करूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। जी हां मित्रों, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं, इस सब का जिम्मेदार कौन है। इस सब का जिम्मेदार है आप खुद। आप हैं अपनी बेटियों की हत्यारे। भारत एक लोकतंत्र देश है, हर 5 साल के बाद हमें अपना वोट देने का मौका मिलता है। अभी अभी लोकसभा की हुई इलेक्शन के अंदर ये देखा गया है कि 60% लोगों ने वोट किया है, तो इस देश का पूरा प्रबुद्ध समाज 40% अगर वो इलेक्शन के दिन अपने घर बैठ करके छुट्टी मनाता है, तो फिर आपकी बेटियों के साथ यही होगा जो हुआ है। बात मेरी कड़वी है, लेकिन मेरे विचार हैं, किसी को अच्छे ना लगे तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांग सकता हूं, लेकिन राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को कोसना यह आपकी गलती है, आपकी कमजोरी है। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां खुद कुछ नहीं होती हैं, इन्हें आप बनाते हैं। जब दिल्ली के अंदर देश की पहलवान बेटियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, तब आप बहुत उबले थे, आपने बहुत बड़ी बातें की थी। ब्रिजभूषण नाम के उस भाजपा के एमपी के बारे में आपने बहुत कुछ बोला, फिर आपने तब भी बहुत गालियां दी जब भाजपा ने ब्रिजभूषण के पुत्र को एमपी का टिकट दिया, तब भी आप बहुत उबले थे। लेकिन आपने क्या किया? क्या आपने उस शख्स के अगेंस्ट वोट किया? नहीं किया। आपने उस शख्स को जिताया। अगर वह शख्स जीता है, तो फिर अब आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ब्रिजभूषण ने सत्ता के नशे के अंदर देश की बेटियों के साथ कुछ गलत किया। नहीं आपको अधिकार। ब्रिजभूषण बिल्कुल सही है, आप गलत। कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ, उसके होने के बाद 4 दिन तक
वहां जो भी ड्रामाबाजी हुई उससे पूर्णतया हमें समझ आता है कि किस तरीके से ममता सरकार ने उस जघन्य अपराध को छिपाने का 4 दिन प्रयत्न किया। पूरी गुंडागर्दी हुई, नंगा नाच हुआ गुंडागर्दी का। सीबीआई को केस जाने से पहले सभी के सभी सबूत नष्ट कर दिए गए। अब आप कहोगे, मैं कहूंगा ये ममता राक्षस है। नहीं, राक्षस है, राक्षस हम हैं। इस साल लोकसभा इलेक्शन से पहले संदेश खाली के अंदर जस्ट इलेक्शन से पहले कितना कुछ खुला, सारे देश ने देखा कि वहां पर टीएमसी के गुंडे कितनी गंदगी और क्या कुछ कर रहे हैं। ऐसी गंदगी, ऐसी निर्दयता, ऐसा व्यवहार जिसे हम सभ्य समाज के लोग अपने शब्द में बोलना भी पसंद नहीं करते। सबको पता था संदेश खाली पूर्णतया ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का किया हुआ कृत्य है। नतीजा क्या निकला? इमीडिएटली उसके बाद इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के अंदर ममता सबसे बड़ी बंगाल की विजयी पार्टी बनी। तो फिर संदेश खाली में क्या गलत हुआ? आपने, बंगाल की जनता ने ममता की क्रूरता के ऊपर में मोहर लगाई और उस मोहर का नतीजा अगर कोलकाता हॉस्पिटल में निकला है तो जो आपने बीजा है वही आपने पाया है। कहां ममता का गलत है? मैं आज इस वीडियो संदेश के नाते ये अपना एक विचार देना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टी को कोसना बंद करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, गलत लोगों को हराएं और अच्छे लोगों को लाएं, तभी आप अपनी बेटियों को सुरक्षित कर पाएंगे। वरना हर दूसरे तीसरे चौथे महीने निर्भया कांड से लेकर कलकत्ता कांड होता रहा है, होता ही रहेगा। आप दोषी, आप बस इसके ज्यादा मैं भावुक हो रहा हूं, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। जो कुछ मैंने कहा अगर गलत है तो भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूं। मैं गोयल साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं प्रोफेसर सिद्धि भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, आभार प्रकट करता हूं। आपके मन की पीड़ा को समझता हूं, जो आपके मन की पीड़ा है, जो आपके मन की पीड़ा है वही मेरे देश के 145 करोड़ जनता के मन की पीड़ा है, मेरे मन की पीड़ा है। जो कुछ 8 अगस्त की रात को कलकत्ता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉन्फ्रेंस हॉल में ममता देव नाथ, जो एक रेजिडेंट डॉक्टर है, वो वहां सोने जाती है, अगले दिन उठती नहीं है। 9 अगस्त को जब वो रेजिडेंट डॉक्टर ममता देवनाथ नहीं पाई जाती कॉलेज में, तब जब सर्च किया जाता है तो उसका मृत शरीर सेमी न्यूडिस अवस्था में कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलता है। बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं समझता हूं इससे दुखद स्थिति और कोई नहीं हो सकती। हमारे देश में कब तक ये इस तरह के निर्भय कांड होते रहेंगे? लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद जो आक्रोश पूरे देश में फूटा था, हर रेजिडेंट डॉक्टर की पीड़ा थी, हर रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर निकल के आया था, और मैं समझता हूं कल 17 अगस्त को पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल थी। और मैं कहता हूं, मैं समर्थन करता हूं जो डॉक्टर्स ने किया इस जघन्य कांड के बारे में, वो बहुत सही किया। अब मैं भाई साहब के जरा प्रश्न पे आ जाता हूं। उसके लिए जनता दोषी है। मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता, मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मेरा हृदय पूरी तरह से घृणा से, नफरत से, ऐसे व्यक्तियों से यदि वो मेरे सामने आ जाएं तो मुझे कैमरे पे कहने में कोई सेंध नहीं, मैं खुद उनकी गर्दन काट के फेंक दूंगा। क्या कारण है? मैंने कहा 8 अगस्त की रात को जब हत्या हुई थी, 9 अगस्त को मालूम चल गया था कि ममता देव नाथ के साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। क्या किया ममता सरकार ने?
लोकतांत्रिक मूल्यों पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में, किसको चुनती है किसको नहीं चुनती है यह मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन एक निवृत्त शिक्षक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते, ममता से मेरा पहला प्रश्न है, ममता जी आपने क्या किया? पूरे बंगाल को खूनी घोषित कर दिया है। केवल एक बेटी के साथ रेप नहीं हुआ, गैंग रेप नहीं हुआ, हत्या नहीं हुई, पूरा बंगाल कलंकित हुआ है। और क्या आपकी पुलिस अभी तक केवल मात्र एक संजय जो रेपिस्ट है उसी को पकड़ पाई है? क्या हमारे देश की पुलिस में इतना दम नहीं है वो बाकी अपराधियों को पकड़ सके? मैं समझता हूं जितनी दोषी ममता है उससे ज्यादा दोषी केंद्र की सरकार है। जब आप देख रहे हैं पूरा देश आक्रोशित हो रहा है, पूरा देश सड़कों पर निकल रहा है, डॉक्टर सड़कों पर निकल रहे हैं, यदि सीबीआई को केस देने में देरी की गई, क्या भारतीय सरकार ये केस दो दिन के बाद ही सीबीआई को नहीं सौंप सकती थी? यदि यह लग रहा था कि इसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो तुरंत केंद्रीय सरकार को वहां सीबीआई सौंप देना चाहिए था। और अब जो दुर्घटना मैं बताने जा रहा हूं, उस कॉन्फ्रेंस रूम को बंगाल की सरकार ने यह कहकर तोड़वा दिया गया कि यहां रेस्ट रूम बनेंगे, इनके रेस्ट रूम की बहुत जरूरत है। ये कलंक ममता सरकार के माथे पर तो लगा है, ममता के माथे पर तो लगा है। केंद्र सरकार क्या सो रही थी? क्या केंद्र सरकार इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकती थी? यदि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ मैं पूछना चाहता हूं। क्या इन परिस्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति ये तमाशा देख रहे हैं? यदि ममता ने एक पाप किया है तो उसके पाप का एहसास केंद्र सरकार को, प्रेसिडेंशियल रूल के माध्यम से करना चाहिए था। क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया गया मुझे आप ये बताइएगा। क्या मजबूरी थी केंद्र सरकार की तुरंत ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए? ममता सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं केंद्र सरकार ने? यदि ममता सरकार 90% दोषी है तो केंद्रीय सरकार 100% दोषी है। लेकिन मैं भाई साहब की एक बात का और जवाब देना चाहूंगा, दुखद हृदय से देना चाहूंगा। यदि ब्रजभूषण का बेटा चुनाव जीत गया तो हमारे भाई साहब ने ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी दुर्दशा है। उसमें एक, यदि मैं समझता हूं, विनाश फोकट भी थी जो धरने में बैठी थी। जी हाँ। क्या ब्रजभूषण का बेटा जीत गया तो हम ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दें? क्या वो जो सड़क पे बेटियां बैठी हुई थी, ओलंपियंस बैठे हुए थे, वो सब गलत थे? यदि वो सब गलत थे फिर इस देश में लोकतंत्र खत्म करके कोई डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कभी ना आए, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में ये बंगाल सरकार की मैं निंदा करूं जिसने एक बेटी के साथ कुकृत्य हुआ, उसका मर्डर हुआ और 7 दिनों तक 8 दिनों तक 10 दिनों तक वो हत्यारों को नहीं पकड़ पाई और हमारी केंद्र सरकार ममता दीदी को देखती रही वहां केंद्र प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने की हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री में नहीं रही। चलिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं वो हमारे देश की बेटी जहां भी है मौमिता, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन आगे से इस तरह के निर्भय कांड ना हो, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 या 3 गार्ड होने चाहिए। क्या आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्या किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की घटना की आप कल्पना कर सकते हैं? यदि 6 या 7 लोग आए थे, यह भी कहा जा रहा है कि उसमें से वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ लोग पहले से अंदर थे, वहां गार्ड क्यों नहीं था? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति कौन सुधारेगा? 2 दिन से मैं सुन रहा हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो यूरिनल्स है इस कंडीशन में है कि वहां डॉक्टर नहीं जा सकते। जब डॉक्टर्स की यूरिनल की ये कंडीशन है तो पेशेंट्स की यूरिनल की कंडीशन क्या होगी? कृपया हमारी सरकारें चिकित्सा और शिक्षा दो ही ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आप 5वीं से 3वीं अर्थव्यवस्था बन जाइए, इट डजंट मैटर। मैं फिर कहूंगा कहीं ना कहीं यदि मौमिता
कि हत्या पर रेप पर मेरा दिल प्रताड़ित है, तो इसलिए भी प्रताड़ित है। यूएसए 40 गोल्ड मेडल लेके आया है, पाकिस्तान 1 लेके आया है और अनेक कंट्री लाए, मेरा भारत महान केवल मात्र 6, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। लेकिन मैं उन सबको फिर नमन करता हूं हाथ जोड़ के जो 6 लोगों के गोल्ड मेडल आए हैं। आगे से इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। यदि इस प्रकार की घटना होती है, कोई भी राज्य सरकार 3 दिन तक इस तरह के अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती, तुरंत वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगाइए। राज्यपाल के पास जितनी पावर है वो मुख्यमंत्री से बहुत अधिक है। और मैं समझता हूं यदि केंद्र सरकार ने ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया होता, अभी तक सभी के सभी कल्प्रिट सलाखों के पीछे होते, जिनको आप ढूंढ पाना मुश्किल है। मैं फिर बहुत ही दुखद शब्दों में मौमिता को नमन करता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके घर वालों को इतनी शक्ति दे। वो एक जवान बेटी, एक होनहार डॉक्टर जो पीजी कर रही थी, कितना कष्ट में है मैं समझ सकता हूं। परमात्मा मां बाप को शक्ति दे कि वो इस बहुत बड़े हादसे को, हम सबको शक्ति दे, पूरा देश परेशान है, हम सबको शक्ति दे कि हम इस हादसे को सहन कर सके। और एक संकल्प लें, यदि किसी बेटी के साथ, बहन के साथ बाजार में कोई दुर्व्यवहार होगा, चाहे मैं 65 साल का हूं, सबसे पहले मैं उसको चांटा मारूंगा। मैं पुलिस का इंतजार नहीं करूंगा, यदि मुझे जेल में जाके बैठना पड़ेगा बैठूंगा, लेकिन मैं दुष्कृत्यों को स्वीकार नहीं करूंगा। चूंकि मैं भारत का जागरण नागरिक हूं, लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, वो रक्षा तभी होगी जब मैं अपने देश की बहन बेटियों की रक्षा करूंगा। ऐसे कल्प्रिट की गर्दन काट दूंगा यदि मेरे सामने आ जाए, चाहे मुझे जेल का सबक करना पड़े। भाई साहब नमस्कार।